सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। द्वापर में प्रभु श्री राम ने इस धरती पर धर्म स्थापना हेतु अवतार लिया। दशम स्कंद के अंतर्गत अवतारवाद का वर्णन है और श्री कृष्ण जी की जीवन लीलाओं से मंडित विस्तृत विवेचन आपको मिलता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तो परमात्मा को धर्म स्थापना हेतु आना पड़ा। आज आपको उस समय के परिवेश में लेकर चलते हैं, एक ऐसा परिवेश जिसने भगवान को धरती पर आने के लिए विवश किया। ये वो परिवेश है, ये वो राज्य है जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, जहां पर प्रजातंत्र है, जहां गणतंत्र है, वहां पर कोई निरंकुशता नहीं है। द्वापर युग की घटना कल्पना कीजिए। द्वापर युग में मैं जिस राज्य की चर्चा कर रही हूं, उस राज्य को छोड़कर आसपास के सभी राजाओं में राजा, सभी राज्यों में राजा की चलती थी, तानाशाह था। जो राजा कहे वही आदेश सर्वोपरि, जो राजा कहता था प्रजा को करना पड़ता था। प्रजा के हितों की अवमानना उन राज्यों में चल रही थी, लेकिन मैं चर्चा उस राज्य की करना चाहती हूँ जहाँ प्रजा की सुनी जाती थी। जहाँ गणतंत्र था, जहाँ प्रजातंत्र था, वो राज्य था मथुरा। चिंतन नहीं किया कभी किसी ने इस विषय पर। मथुरा की प्रजा स्वयं अपना अधिपति चुनती थी, और अगर वो अधिपति सही कार्य करता था, प्रजा के हितों का ध्यान रखता था, तो प्रजा उसे बिठाए रखना पसंद करती थी, जब तक राजा वृद्ध होकर खुद पद ना छोड़ना चाहे। लेकिन अगर कोई उसके हितों की अवहेलना करता था, प्रजा उन्हें उतार देती थी। और आप सोचते हैं कि मथुरा में महाराज उग्रसेन का शासन, प्रजा ने उन्हें स्वयं अपना अधिपति बनाया, प्रजा उनसे प्रसन्न थी, भक्ति की धारा बह रही थी, ऋषियों का सम्मान होता था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, सब प्रसन्न। अगर ब्राह्मण गाय का दान मांग ले तो कहते थे दे दो, कोई मना ही नहीं। अशर्फी भर भर कर वो दान प्राप्त करते थे, भक्ति चरम अवस्था पर थी। और उसी समय उनका पुत्र जो कंस था, उसके मन में तरह तरह की भावनाएं, लालसाएं प्रबल हो रही थी। वो सोच रहा था कि हमारी मथुरा में तो प्रजातंत्र है और मैं प्रजा के आगे सिर झुका नहीं सकता, और प्रजा मुझे कभी राजा नहीं बनाएगी, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मैं बलशाली हो जाऊं। क्योंकि कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से प्रेम बहुत करते थे, लेकिन कंस झुकना नहीं जानता था। ये वो समय चल रहा था जब कंस चाहता था उसके पास इतनी शक्ति आ जाए कि वो स्वयं अपने पिता को घसीट कर नीचे उतार दे और खुद सत्ता पर आसीन हो जाए। और ऐसे समय में, उस समय के काल में एक ऐसी शक्ति थी जिसने सभी राज्यों के युवराज को अपने अधीन करने का संकल्प पाल लिया था, वो था मगध नरेश जरासंध। जरासंध ने सब युवाओं को एकत्रित किया, विदर्भ देश के राजा भीष्मक का बेटा रुक्मी जरासंध के अधीन, कुंडिनपुर नरेश जरासंध के अधीन, उसके पीछे पीछे घूमने वाले चम्मच बन चुके थे। जरासंध को पता चला कि कंस बलशाली है, वो चाहता था ये भी मेरे साथ जुड़ जाए, और वो सिर्फ मगध देश पर नहीं पूरे भारत पर शासन करने का संकल्प लेके बैठा था जरासंध। उसने कंस से कहा, मैं जानता हूं कि तू बहुत महत्वाकांक्षी है और अपने पिता की गद्दी पर बैठकर राजा बनना चाहता है मथुरा का, और तेरे बस की बात नहीं है, अभी तुम्हें अपनी सेना जुटानी होगी, मेरी दोनों पुत्रियों का विवाह मैं तुम्हारे साथ करूंगा, दहेज में इतनी सेना भेजूंगा कि उसे दहेज मान लिया जाएगा, पर वो ये नहीं जान पाएगा मथुरा का वर्तमान राजा कि ये दहेज में क्या आ रहा है, एक ऐसी शक्ति जो उसी को उखाड़ने के लिए तैयारी कर रही है। रथ, हाथी, घोड़े, तरह तरह की सैन्य सामग्री के साथ विशाल सेना
आज कंस के राज्य में पूरी विवाह सामग्री के साथ वहां पर पहुंच गई। कोई क्या जानता था कि विवाह के पीछे कौन सा उद्देश्य पालित पोषित होने जा रहा है। उधर मथुरा में शूर पुत्र वसुदेव अपनी नव विवाहित पत्नी देवकी को लेकर लीवा लाने लगे। कंस ने कहा, मेरी प्यारी बहन है, चचेरी है तो क्या हुआ। रथाश्वों की वल्गा को पकड़ा जैसे झटकने लगा और उसी समय रथ के चलने से पूर्व ही आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिसको तू रथ पर बिठा कर लिए जा रहा है, इसी के गर्भ की आठवीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। कंस का जो प्रेम था अपनी बहन के प्रति वो फुर्र हो गया और उसी समय तलवार निकालकर देवकी को मारने लगा। तो वसुदेव ने बचा लिया, मत करो ऐसा, मत करो, तुम्हें देवकी से भय नहीं है, उसकी संतान से है। मैं वचन देता हूं, मैं सत्यवादी, उसकी हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा, इसे जीवित छोड़ दो। पहली संतान हुई, वसुदेव लेकर गए तो मन द्रवित हो गया। लेकिन कंस के जो मंत्री थे वो नीति निपुण नहीं थे, वो भी महत्वाकांक्षी थे, चाहते थे कि कंस का शासन फैले और वो भी उसके शासन का आनंद भोग करे। उन्होंने कहा, महाराज राजा हो, गहराई से सोचो, क्या पता पहली संतान ही आठवीं हो, आठवीं हो और आठवीं संतान पहली हो, कैसे पता चलेगा, दूसरी संतान भी आठवीं हो सकती। कमल की पंखुड़ियों में से मुझे बता दो पहली पंखुड़ी कौन सी गिनी जाएगी। कोई भी पंखुड़ी पहली है, कोई भी पंखुड़ी अंतिम हो सकती है। सारी संतानों की हत्या करना महाराज, छोड़ना मत, बस वो ही बात थी। उसी समय देवकी वसुदेव को कारागृह में धकेल दिया गया। चारों ओर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कंस बलशाली हो गया, महाराज उग्रसेन जो है वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे कंस ने अपने पिता की अवज्ञा तक करनी शुरू कर दी। पुत्र पिता के नियंत्रण में नहीं है, शत्रु उनके राज्य में घुस चुके हैं सेना के रूप में और महाराज उग्रसेन आज असहाय हैं, लाचार हैं। पुत्र कहने में नहीं, रोज राजसभा में कंस की शिकायतें दर्ज होती हैं, रोज सुनवाई होती है, प्रजा न्याय की मांग करती है। तो राजा आज स्वयं को निर्बल अनुभव कर रहा है। महाराज उग्रसेन ने कंस को कहा कि तुमने देवकी और जमाता को कारागृह में क्यों डाला है। कहते, क्योंकि पिताजी आपके भी कारागृह में जाने के दिन आ गए। वही समय था उग्रसेन को भी कारागृह में धकेला और सत्ता पर आसीन होकर मथुरा का राजा बन बैठा। जहां प्रजातंत्र था वहां ताकत के द्वारा, सैन्य बल के द्वारा सारी प्रजातंत्र की हत्या कर निरंकुश शासन स्थापित कर दिया गया। और ऐसे समय में दिव्य देवकी की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी संतान हुई तो काल की गाल में भेज दी गई। और जैसे दिव्य देवकी ने सातवां गर्भ धारण किया तो योग माया के द्वारा उसे संकर्षित कर लिया गया और उसके पश्चात उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और ये समाचार फैला दिया गया कि देवकी का गर्भपात हो गया। उसके पश्चात चारों ओर एक ही आर्तनाद हो रहा था, प्रभु अब तो अवतार लो, और कितना अत्याचार और कितनी पीड़ा। आज देवकी की पीड़ा मथुरा की हर औरत की पीड़ा बन चुकी थी। माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती थी, जन्म देती थी और पापी कंस मार डालता था। हर घर में देवकी की पीड़ा की चर्चा थी, हर घर में कंस के विरोध के विरुद्ध में कंस के विरोध में आवाजें उठ रही थी। और इधर समस्त देवी देवताओं ने भी कहा कि प्रभु जन मानस आर्तनाद कर रहा है, अब तो आप अवतार धारण करो। और ऐसे समय में हमारे प्रभु ने दिव्य देवकी के गर्भ में स्थान धारण किया और देवकी का जो शरीर है कांतिमती हो गया और उससे दीप्ति देखने योग्य थी। जैसे प्रभु दिव्य देवकी के गर्भ में आए, आप दुनिया में जितने शास्त्र ग्रंथ हैं सबको पढ़ डाली, आपको गर्भ स्तुति कहीं नहीं मिलेगी, वो श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं मिलेगी। सारे देवी देवता आकाश मार्ग से श्रद्धा के पुष्प लिए कारागृह में भगवान का स्तवन करने आए। तब जब भगवान देवकी के गर्भ में बैठे हैं, सब देव चले, सब जा रहे हैं प्रभु को रिझाने के लिए कि जल्दी अवतार ले, आप जल्दी अवतार ले। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ आओ सांवरिया,
सब देव चले महादेव चले लेने भूलन के हार रे आओ आओ सावरिया सब देव चले महादेव चले लेने भूलन के हार रे आओ आओ सावरिया जन्म धारण करने वाला हूँ आप निश्चिंत रहिए सब प्रभु के स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए अपने अपने धाम चल पड़े निश्चित समय पर भाद्रपद की अंधियारी अष्टमी कृष्ण पक्ष है
और भगवान ने अपने जन्म का स्थान चुना कारागृह और इस धरती पर जन्म धारण किया। दिव्य देवकी के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव ने कहा, विदितो असि भवान साक्षात, मैं आपको जान गया हूं कि आप अविनाशी सत्ता हैं, आप सृष्टि का नियामक तत्व हैं, आप चतुर्भुजधारी हमारे सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, पिछले जन्मों में भी आपने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया था ताकि इस बात की आपको स्मृति करवा पाऊं, मैं चतुर्भुज रूप में आपके सामने प्रकट हुआ हूं। आप ही मेरे माता पिता पिछले जन्म में भी थे, अब की बार भी आपके गर्भ से, आपके माँ के गर्भ से मैंने जन्म धारण करना स्वीकार किया और आप मेरे माता पिता बने। और भगवान को चतुर्भुज रूप में देखकर देवकी अत्यंत भयभीत है, क्योंकि वह नन्हे से बालक की कल्पना कर रही थी, लेकिन वो तो चतुर्भुजधारी भगवान बनकर सामने आ गए। उपसहर विश्वात्मनदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। हे विश्वात्मा, हे चतुर्भुजधारी, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, चारों भुजाओं में तुम्हारे सुंदर सुंदर ये जो सुशोभित है, मुझे तो आपके स्वरूप को नमन करना है, पर मैं भयभीत हो रही हूँ, मुझे पुत्र रूप में मिल जाइए। पर देवकी की प्रार्थना करने पर वो देवकी जिसके गर्भ में भगवान ने स्वयं निवास प्राप्त किया हुआ था, वो भगवान जो सारे जगत का निवास स्थान है, देवकी उनका निवास स्थान बनी हुई थी। देवक्यां देवरपण्यां विष्णु सर्व गुहाशय, और आज उसी गुहा से प्रभु बाहर आए तो नन्हे से बालक के रूप में देवकी के अंक में विराजित हो गए और दिव्य सुंदर बालों को प्राप्त कर देवकी प्रसन्न है। और प्रभु ने प्रेरणा दी वसुदेव जी को कि मुझे आप शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल ले जाओ और वहाँ पर नंद जी के यहाँ योग माया ने जन्म लिया है, उस पुत्री को उठाकर यहाँ ले आओ। वैसा ही हुआ। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि इस पुत्र को गोकुल कैसे लेके जाऊं, कंस से इसका रक्षण कैसे करूं, लेकिन जैसे टोकरी में डालकर मस्तक पर धारण किया तो कारागृह के द्वार खुल गए। यूं तो सारे सैनिक जाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया से निशीथ निद्रा के वशीभूत हो गए। हाथ पांव की बेड़ियां मृत सर्प की मानिंद झटक कर गिर गई और कारागृह के द्वार खुलते गए और वसुदेव जी प्रभु को यमुना पार कर सीधा गोकुल ले गए और वहां पर योग माया को लिया, टोकरी में बिठाया, यमुना फिर से पार की और कारागृह में आए तो द्वार फिर से लग गए, हाथ पांव में बेड़ियां फिर से पड़ गई। मानो भगवान इस लीला के माध्यम से हमें समझाना चाहते हो कि जब भगवान को हम मस्तक पर धारण करते हैं, अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान देते हैं, तो भगवान कारागृह के द्वार तो क्या हमारे लिए मोक्ष के द्वार तक खोल देते हैं, लेकिन अगर माया को, पैसे को प्रधानता देंगे, माया को धारण करेंगे, तो फिर बंधन ही बंधन है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, प्रभु की माया बड़ी दुर्लभ है, ये तरह तरह के नाच रचाती है, अविद्या के बंधन में बांधती है। भगवान की माया है और भगवान को पाने के लिए इसी माया से दूर रहना पड़ता है। तभी सूरदास जी ने कहा था, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल, अब अविद्या के नाच में मत नचाना, मुझे अपना बना लो। और आज जैसे योग माया आई, कन्या का रुदन सुना, सैनिकों ने सूचना दी, कंस द्रुत गति से दौड़ा चला आया और कन्या को पकड़कर जैसे मारने लगा, शिला पर पटकने लगा, तो वो हाथ से छूट गई और अष्टभुजा कराल काली का रूप धारण कर आकाश मार्ग पर स्थित हो गई। कहने लगी, मूर्ख कंस, व्यर्थ बालकों की हत्या मत कर, तुम्हारा काल जन्म ले चुका है और किसी और के घर में अब पालित पोषित होना शुरू हो चुका है, तुम अपने हाथ ले। कंस आज जिस स्थिति में है, सोचने लगा, अगर मेरे काल ने कहीं और जन्म लिया है तो मैंने अपनी बहन के संतानों की हत्या क्यों की, कहीं ना कहीं जैसे करुणा और अच्छाई जन्म लेती थी तो दुष्ट मंत्रियों से फिर दुष्टता की ओर ले जाते थे। कहने लगे, महाराज, इन दिनों में जितने बच्चे पैदा हुए सबको मारने का आदेश दो, भूल चूक मत करो, दया मत दिखाओ, आंखों में अश्रु मत लाओ, आपको राजा बने रहना है। और उधर जहां कंस के यहां ऐसी दुरात्मा तैयारियां चल रही थी,
वहीं पर गोकुल की तो अलग ही छटा थी। ये तो गोकुलवासी 12 बजे तक जागते रहे, लेकिन प्रभु के आगमन से पूर्व सबको निद्रा आ गई और प्रभु ने यशोदा जी के पास अपना स्थान बनाया है। और जैसे यशोदा जी के नेत्र उन्मीलित हुए, सखियों के नेत्र उन्मीलित हुए, उन्होंने नन्हे से सांवले सलोने बालक को देखा तो कहने लगे, अरे लल्ला भयो है, अरे यशोदा जी आप माँ बन गई है। और चारों ओर ये समाचार हर्षोल्लास चारों ओर फैल गया, कानों कान मुखों मुख सूचना मिल रही है। रात्रि के समय सभी जाग गए, अरे प्रभु ने अवतार लिया है, नंद के यहाँ लल्ला भयो है। सभी ब्राह्मण वहाँ पर दक्षिणा पाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, लोग बधाई देने आ रहे हैं, बधाई बाजे बज रहे हैं। आज नंद के द्वारे भीड़ एक आवत एक जात विदा है, एक ठाड़े मंदिर के तीर आज नंद के द्वारे भीड़। और कैसा परिवेश है, कैसी बधाई है, आइए। दैदरी मैया बधाई, दैदरी मैया ओ, दैदरी मैया बधाई, दैदरी मैया ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दैदरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दैदरी मैया, दैदरी मैया बधाई, दैदरी मैया ओ, दैदरी मैया बधाई, दैदरी मैया ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। हेलो हेलो, कौन आया है इस धरती पर? यशोदा का लाल, इस आंगन में हम गोकुल जैसी छटा भी खेलने जा रहे हैं। कृष्ण भयो है, लल्ला भयो है, मेरी बधाई मत भूलिएगा। आज बधाई लिए बिना मैं नहीं जाने वाली। 1 2 3 4 श्री कृष्ण नाम सोना।
बाजी नाच की गावी बधाई बाजे ढोल और तार बाजी नाच की गावे बधाई बाजे ढोल और तार दे दे हमको अनधन सोना और मुतियन को हार दे दे हमको अनधन सोना और मुतियन को हार तेरी हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रखो